उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ठीक है, तुम आदि से घर वाली भी तो हो ना, फिर तो किसी को पता तो नहीं लगेगा ना वैसे। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। तो आपको और भी अच्छा करने लेके आई है पीरियड से एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। सो गाइस, आज की जो वीडियो के रिएक्शन है वो बहुत ही फाड़ आने वाला है, क्योंकि आज हम प्रैंक करने वाले हैं। जैसा कि आपको बता दूं, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था मैंने प्रैंक किया था अपने सिस्टर के बॉयफ्रेंड पे, वैभव पे। अभी लास्ट वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, देख लेना। तो आज क्या है कि आप लोगों को बता दूं, मैंने नया फ्लैट लिया है, तो अब उसको थोड़ा मिलने के लिए, बुलाने के लिए मैंने कन्विंस किया है। उसने बोला है कि वो आ जाएगा, बट एक बार पूछ लेते हैं। अभी बंदा बोल तो रहा है आएगा, एक बार पूछ लेते फोन लगा के कि कहाँ पहुंचा है वैभव। कहाँ पहुंचे? मैं डाला पहुंच चुका हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ अभी। कितनी देर है ना वहाँ पे? हाँ हाँ, जैस्मिन है, टेंशन मत लो। तुम्हें बड़ी जैस्मिन की तो बहुत चिंता, तुम्हें साली साहिबा की भी थोड़ी फिक्र कर लिया करो। अरे बिल्कुल, आपकी भी पूरी फिक्र है, लेकिन तुम्हें पता है ना वो मेरी होने वाली वाइफ है और आपकी बहन। ये तो मुझे पता है, कोई बात नहीं, तुम आओ आके बात करते हैं। बस 10 मिनट पहुंच गया। चलो ठीक है, ओके ओके, तो वेट करते हैं, बंदा आने वाला है 10 मिनट में। रिएक्शन कैसे आने वाला है ये तो आप लोग देख लोगे, वेट करते हैं 10 मिनट। तो यार बंदा आ चुका है, नोक किया अभी उसने, जाके ओपन करते हैं डोर को, देखते हैं क्या होता है ना। आ गए। अरे हाय, कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हो? बस बढ़िया। कैसा है मेरा फ्लैट? बहुत अच्छा है यार, ये तो काफी अच्छा है ना, लाइटिंग भी अच्छी है ना। बिल्कुल, अच्छे से देख लो कैसा है। आओ बैठो, थक गए होगे, दूर से आए हो ना। हाँ यार, बहुत गर्मी है। अच्छा, जैस्मिन कहाँ पे है? जैस्मिन आने वाली है थोड़ी देर में। ओके, पर आपने तो बोला था वो यहीं पे है। हाँ वो आने वाली है, मैंने तुम्हें झूठ बोला था। मैंने कहा यार, क्योंकि तुम फिर और ज्यादा वो हो जाते ना कि अभी जैस्मिन नहीं आई, मैं क्या करूंगा, फिर तुम मुझे भी वेट करा देते। हाँ ये तो है। पानी तो खत्म हो गया, कोक ले लो, फ्लैट है तुम्हें पता है, मैनेज करनी पड़ती है चीजें। बिल्कुल यार। समझ सकता हूँ, फैमिली के बिना रहना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत यार। और बताओ तुम्हारा यूट्यूब चैनल कैसा चल रहा है? बढ़िया, बैठ जाओ आराम से। YouTube चैनल तो बस यार अभी डाउन चल रहा है, पता नहीं यार वीडियोस जा रहे हैं लेकिन लोग देख नहीं पा रहे क्या है क्या नहीं। कोई नहीं, करते रहो मेहनत, जल्दी 1 मिलियन कंप्लीट होने वाले, वैसे भी यार मिलियन होने वाले हैं, मजा आ जाएगा उसके बाद। दुआओं में याद रखना बस। बिल्कुल, और सब सही चल रहा है जैस्मिन के साथ। यार वैभव, मुझे ना तुमसे जरूरी बात करनी थी। अरे हाँ बोलो ना यार। सबसे पहले तो मैंने, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें झूठ बोला कि जैस्मिन नहीं है अभी और ना ही वो आएगी। पर तुमने ऐसा क्यों बोला यार? क्योंकि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी थी ना, मुझे जैस्मिन नहीं चाहिए थी हमारे बीच में। यार देखो, पिछली बार भी तुमने मुझे अकेले में बुलाया था और इतना बड़ा झटका दिया था। देखो अगर आज भी कोई ऐसा प्रोग्राम है तो प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो यार, तुम्हें पता है अगर हम प्रैंक ये सब कर रहे होते तो कैमरा तो बाहर सेट करते हैं। हाँ ये बात भी है, तुम्हारे प्रैंक सारे। मैं यहाँ पे पर्सनल तुम्हारे से बात करने के लिए तुम्हें बुलाया, तो तुम कैमरा वैमरा थोड़ा सेट करूंगी। इतना तो ट्रस्ट कर लो साली साहब पे, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा चलो कर लेते हैं, हर बार थोड़ी मजाक होता है वैसे भी। बिल्कुल हर बार, और वैसे भी तुम होने वाले जीजू हो और मैं तुम्हारी होने वाली आधी घर वाली, साली आधी घर वाली बोल सकते हैं। तो बताऊं फिर, तुम अगर बुरा ना मानो तो। हाँ देखो, लास्ट वीडियो से मुझे इतना तो पता लग गया था तुम जैस्मिन से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, ठीक है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें नहीं पता है और मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मुझे तुम्हें बता देनी चाहिए। मतलब अभी भी कुछ ऐसा रह गया सच में? हाँ। तो बताओ फिर क्या हो गया? वैभव पता है तुम्हें, मेरा ब्रेकअप हो गया था तो उसके बाद ना हमेशा मैंने हर जगह प्यार ढूंढने की कोशिश की है कि मुझे एक रियल लव चाहिए, ट्रू प्योर हार्ट जो मेरे लिए लॉयल रहे। और मतलब सच बताऊँ ना, मेरे मन में थी, चलो मैं बता ही देती हूँ कि मैंने जब लास्ट वीडियो तुम्हारे साथ शूट की थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार इस बंदे से ज़्यादा प्यार ना एक लड़की को कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जैसे पागल हो गए थे, एकदम झटका लगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। तो मुझे ना एक थोड़ी सी जेलेसी फील हुई कि यार काश मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा लड़का होता जो मुझे इतना प्यार करता, और मुझे मिला नहीं है। मैंने ट्राई की इधर उधर खोजने की लेकिन मिला नहीं है। तो यार मैं ये सोच रही थी कि शादी तो तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अब मेरी बहन भी अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है, लेकिन वो तुम्हें पता है मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। बहुत प्यार करते हो, आई नो दैट। तो तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? आप अच्छे हो यार, और अब तो वैसे भी अच्छे हो, साथ साथ आपके पास इतना फेम है, यू नो दुनिया आपको जानती है, यू आर यूट्यूबर, सो
अच्छे हो यार, नेचर वाइज भी बहुत सॉफ्ट हो, पोलाइट हो, ब्यूटीफुल हो, सब कुछ तो है. सब कुछ है लेकिन एक ही चीज़ नहीं है ना, प्यार. हाँ, और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना. तो मिल जाएगा ना, क्या हो गया? नहीं मिला ना यार, मिल ही तो नहीं पा रहा ना, यही तो दिक्कत है. भाई कहते हैं ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, तो ढूंढो. अरे यार तुम्हें तो पता है आजकल के लड़के कितने लॉयल्टी टेस्ट करती हूँ मैं, देखा कितना हर कोई एक दूसरे को चीट करता रहता है, धोखे देते हैं. और तुम्हारी लास्ट वीडियो से तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि लाइक तुम बेस्ट हो यार एक लड़की के लिए. मैं ये नहीं बोल रही कि जैस्मिन के लिए, बट किसी भी लड़की के लिए. हाँ बट लेकिन फिलहाल तो हम जैस्मिन की बात करेंगे ना, क्योंकि वो मेरी होने वाली वाइफ है. एंड सॉरी जैस्मिन नहीं आ रही है यहाँ पे. हाँ वो आपने बताया, लेकिन आपने मुझे बोला कि कुछ आपको मेरे से बात करनी है कुछ पर्सनल लेवल पे. तो मुझे तुमसे यही बात करनी थी कि लाइक सॉरी आई लव यू यार. अरे पागलों की हो गया यार, मतलब नहीं यार आई सीरियसली लव यू. अरे मतलब लास्ट वीडियो से मैंने रियलाइज किया कि तुम मेरे लिए बेस्ट हो और मुझे ऐसा लड़का मिलेगा नहीं कहीं भी. आई नो सब बोलते रहते हैं यशोधरी बेस्ट है, तुम्हारे लिए बेस्ट है, बट यार तुम्हें लेके ना मेरे को ना एक अलग वाली फीलिंग्स आई जो मुझे मेरे एक्स के लिए थी यार. प्लीज यार, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए बेस्ट हो. अरे नहीं यार प्लीज, मैं माना करो यार, मैं जैस्मिन को क्या शक्ल दिखाऊंगा? शक्ल एक मिनट, शक्ल तो तब दिखाओगे ना जब उसे कुछ पता चलेगा. यहाँ पे इस फ्लैट पे इस रूम में सिर्फ तुम और मैं है, और मुझे पता है किसी को पता नहीं चलेगा, हम लोगों के बीच में ही रहेगी बात. तो हम अच्छे दोस्त भी है, तो लाइक नहीं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट यू नो. अरे नहीं यार पागल हो यार, तू चूतियापंती मत किया करो यार. यार सुनो एक बार, तुमने आखिरी बार भी मुझे बता के कि तुमने मेरा मजाक बनाया. तुम गुस्सा मत करो प्लीज, मैं ये बोल रही हूँ कि यार किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, और यहाँ पे जैस्मिन भी नहीं है और ना ही वो आएगी. तो हम लोग यार एक दूसरा रिलेशन रख सकते हैं ना, और वैसे तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हें भी मैं पसंद हूँ. तुम अच्छी हो नो डाउट, मैं हूँ ना तुम्हें पसंद, तो फिर हम लोग लाइक कर सकते हैं ना. अरे नहीं ना यार, तुम माना तुम साली हो यार, लेकिन साली आधी घरवाली यूँ थोड़ा बोलती थी मैं, हमेशा मेरे मन में कुछ और होता था ना उससे लेके. अच्छा सच में? सीरियसली? तो ठीक है ना फिर. क्या? हाँ तो करते हैं ना फिर, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सच में. हाँ बट तुम, मुझे लगा तुम बोल रहे थे ना कि वीडियो में भी और अभी भी कि तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो. हाँ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ठीक है तुम आधी घरवाली भी तो हो ना फिर, तो किसी को पता तो नहीं लगेगा ना वैसे. नहीं पता नहीं लगेगा, लेकिन तो, तुम सच में प्यार करते हो ना मेरे? हाँ तो मैं प्यार करता हूँ. अच्छा तो लेकिन तुम भी तो मुझे पसंद हो ना, तो लाइक तुम दोनों के साथ रह लोगे? नहीं अभी एक बारी की तो बात है ना, तुमने कहा फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट एक बार नहीं होता है ना, तो कोई बात बार बार होता है. हाँ तो क्या हो गया फिर, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सच में? हाँ अच्छा तो करें फिर. हाँ क्या करें? वही जो तुम कह रही थी. Or friends with benefits. What about Jasmine? तो उसको नहीं पता लगेगा ना, आप नहीं बताओगे मैं भी नहीं बताऊंगा, क्या प्रॉब्लम है? यार फ्रेंड्स तुम साली हो आधी घर अली भी तो हो ना. Really? Yeah, बिल्कुल. क्या प्रॉब्लम है फिर? हाँ बट मुझे लग रहा था लाइक मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि तुम चले जाते या चले जाओगे. अरे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्या करना है जाकर के. हाँ मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी को लोग कैसे मना कर सकते हैं. सच में? हाँ बिल्कुल. तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं तो अब तुम घबरा क्यों रही हो? पहले तो तुम लाइक कुछ और थी और अब तुम घबरा रही हो क्यों? नहीं मैं थोड़ा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही है एक्चुअली. अरे तो आपने बोला कि दैट यू लव मी और आप मुझे पसंद करती हो, इवन आप भी मुझे अच्छे लगते हो. आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपका नेचर बहुत अच्छा, जैसे मैंने पहले भी कहा. तो फिर प्रॉब्लम क्या है अब? मैं जैसे आपने बोला आई एम रेडी टू डू दैट. यार सच बता देती हूँ मैं मजाक कर रही थी यार, तुम्हारा प्रैंक नहीं खत्म होते नहीं यार. यार मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब प्रैंक नहीं चल रहा है यहाँ पे, बट मैं मजाक कर रही थी, वो जस्ट मैं ऐसे ही मजे में बोल दिया, बट ऐसा कुछ है नहीं. लेट इट बी. अरे कम ऑन यार, यार पागल हो क्या तुम? मेरी बात सुनो, मैं मजाक कर रही थी भाई, मैं मजाक कर रही थी, सॉरी गलती हो गई. मैं मजाक, व्हाट अबाउट माय फीलिंग्स यार, यू आर हर्टिंग मी. तो जैस्मिन है ना तुम्हारे पास, उसके साथ? तो जैस्मिन नहीं है यहाँ पे ना, आई जस्ट वांट यू राइट नाउ. तो तुम जो करो वो सही है, मुझे नहीं पता. I want means I want. तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजाक करी थी, और वैसे भी तुम्हारी शादी होने वाली है, हमने दी के लिए और बहुत लोयल. तो फिर क्या हो गया? और वैसे भी मैं चाहती भी नहीं तुम्हारी शादी. अरे तो क्या हो गया फिर? नहीं मुझे नहीं करना. अरे तो क्या प्रॉब्लम है? एक सेकंड हाथ छोड़ो, मैं मजाक कर रही हूं. अरे तो क्या हो गया फिर? अबे मुझे नहीं करना. अरे तो मुझे तो करना है ना, आई तो वांट टू डू. यू कांट से नो टू मी, यू लव मी ना, यू सेड. हैव यू गॉन मैड? आई डोंट थिंक सो. आई वांट मींस आई वांट. ऐसा कुछ? अरे कम ऑन ना यार, वैभव चल. अरे प्लीज ना यार, अब क्यों मना कर रहे हो यार? अब
कम ऑन ना, लेट्स डू इट यार। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स यार, कम ऑन यार। नहीं नहीं, अरे आप मेरी साली साहिबा, शायद तुम्हें लग रहा है मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। अरे तो क्या हो गया, तो कोई बात नहीं ना, मेरा तो हक बनता है ना, कोई बात नहीं, आप मजाक कर, अरे कम ऑन यार। नहीं मैं मजाक कर रही थी यार। अरे वेट ना यार, यू नो व्हाट, मैं तुम्हारा जीजू हूँ ना, तुम मुझे मना नहीं कर सकते। मैं मजाक कर रही थी। अरे तो क्या हो गया फिर, मैं तो सीरियस हूँ ना, लेकिन तुम हो ना, मैं नहीं हूँ ना, क्या हो गया फिर, समझ में नहीं आ रहा। अरे तो मैं क्या नहीं हूँ सीरियस, तुम मजाक करो ठीक है, तुमने मेरे साथ प्रैंक किया, मैंने मना किया, लेकिन तुम्हारे लिए फीलिंग्स जाग गई ना यार। अच्छा तुम्हारी प्रैंक में फीलिंग्स जाग गई। अरे तो नहीं ना, लेकिन अब तो जाग गई ना यार, राइट नाउ तो मेरी फीलिंग्स तुमने छेड़ दी ना यार। सब कुछ नहीं है, मैं मजाक करी थी, मुझे नहीं करना है कुछ भी। अरे तो नहीं ना यार, नहीं, आई वोंट डू इट यार। क्या कर रहा है तुम्हें, वही जो तुम चाह रही थी। मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं यार। जो मेरी फीलिंग्स का क्या यार, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जाओ, तुम यहाँ से जाओ, प्लीज जाओ, निकलो प्लीज, मेरे घर से निकलो जाओ। यार नहीं यार, मेरे निकलो यार, गो टू हेल, गो टू हेल, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम जाओ यार। अपने जीजू से तुम ऐसे बात करोगी, मतलब तो यार मैं कैसे बात करूँ तुमसे, मतलब तुमने मेरी दी के लिए तुम लॉयल नहीं हो। मैं सिर्फ एक टेस्ट कर रही थी, मैंने ये नहीं बोला मैंने यहाँ कैमरा लगाया, बट मैं टेस्ट कर रही थी। अच्छा, यू नो व्हाट, मे आई से समथिंग, बोलो। मैं भी मजाक कर रहा था। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अरे यार तुम प्रैंक कर सकते हो, हम नहीं कर सकते क्या? हम मजाक नहीं कर सकते तुम्हारे साथ? नहीं, मैंने तुम्हें बाद में बोला ना तुम प्रैंक कर रहे थे, इसलिए तुम पलट गए, लेकिन तुम सीरियस नहीं हो मेरी दी के लिए। नहीं हो तुम सीरियस, मुझे पता लग गया। I love her a lot. Please you know? यार, please. बिल्कुल. पंती बंद करो. मुझे लग गया पता. तुम रहने दो, तुम रहने दो. तुम लायक नहीं हो उसके. लायक नहीं हो. सही कह रहे हो. अभी तुमने क्या बोला? अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं कर सकता था. तुम्हारे अकेलेपन का पूरा फायदा उठा सकता. तुमने मजाक किया, मैंने भी मजाक किया. सच में मजाक किया, प्रूफ है तुम्हारे पास, मजाक किया तुमने. तो यार तुमने बोला तुमने मजाक किया, मैंने भी मजाक कर दिया, उसमें क्या दिक्कत? तुम दुनिया के साथ प्रैंक कर सकते हो, मैंने तुम्हारे साथ कर दिया है. और वैसे तुम्हें एक बात बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है ना, मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, बट कहते हैं ना वो, मैंने एक छोटा सा सच में प्रैंक करना था और मैंने कैमरा लगा रखा है, ठीक है यार? अब तो तुम मतलब यार तुमने फिर मेरे साथ प्रैंक कर दिया यार. तुम देखो सामने, अब कमेंट्स करके ये बता देना कि कौन सही है और कौन गलत है. यार इतना छुपा के कैमरा कौन लगाता है यार? तो प्रैंक करूंगी तो ऐसे ही लगाऊंगी ना यार. तो दीदी क्या सोचेगी मेरे बारे में आपकी? तो यार पता लगना चाहिए ना सबको कि तुम ऐसे हो. हद है यार, अब ये मत बोलना तुम्हें पता था कि पहले से कैमरा लगा हुआ है और मैंने देख लिया था. प्लीज सच बताओ, कैमरा तो मैंने पहले ही देख लिया था. अच्छा फिर तुमने अभी बताया क्यों नहीं? अब तुम पलट गए फिर से? नहीं ये मजाक था, तुम दूसरों के साथ प्रैंक करते हो ना. तुम्हें कैसे पता कि कैमरा लगा हुआ है? क्योंकि तुम ऐसे बुला ही नहीं सकती थी. मुझे पता है कि जैस्मिन अगर होती तो तुम मुझे बुलाती, तुमने मेरे को प्रैंक के लिए ही बुलाया था, मैं समझ गया था पहले. सीरियसली? बिल्कुल, तभी तो मैंने तुम्हारे साथ ही प्रैंक कर दिया. तुम दुनिया को चलाती हो, हमने तुम्हें चला दिया आज. क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, चलो जैसा भी है जो भी है, मन मिलन कर दो. लड़की के बहुत मेहनत करती है और खासतौर पे मेरी तो जान के पीछे पड़ गई है. मेरा तलाक करवा के रहेगी यार, कुछ शर्म नहीं आ रही यार, अपनी दीदी के हस्बैंड के साथ लगी हुई है यार. यार मैं मजाक कर रही थी, प्रैंक कर रही थी यार. यार जस्ट टेल मी वंस यार, तुम्हें पक्का पता था तो कि कैमरा लगा? और क्या, मैंने आते ही देख लिया था कैमरा सामने है. पक्का? और क्या, मैं ऐसी थोड़ी लगा हुआ था यार, मतलब ये नो, तुमने मजाक किया. तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि कैमरा लगा हुआ था? क्यों नहीं बताया? कमेंट करके बताना. ये था कि भाई मेरे को पहले बताना चाहिए था ना. इन्होंने बोला कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि मुझे ये पता कि कैमरा लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है? इन्होंने, इन्हें ये भी नहीं पता था कैमरा कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि मैंने कैमरा ऐसी जगह पे लगाया कि पता लग ही नहीं सकता मेरे सिवा और कैमरे के सिवा. तो अब मैं सच्चा और झूठा किसको समझूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है. चलो कोई नहीं यार, आप लोग ही कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैं सही हूँ या रेट सही है. कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है? आप, मैं कैमरा बंद कर रही हूँ. हाँ ठीक है.